अगर आप एक वेबसाइट ओनर हैं तो आपके पास आपके टेक्स्ट एंड कंटेंट के साथ साथ वेबसाइट के ऊपर इमेजेस का होना भी जरूरी है। आज के इस वीडियो के अंदर हम दो मेथड सीखने वाले हैं जिनको यूटिलाइज कर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इमेज को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चलिए अपने सबसे पहले मेथड की बात करते हैं जिसमें हम अपनी ऑनलाइन सोर्स का यूज करेंगे और अपने इमेजेस को अपनी वेबसाइट के ऊपर डिप्लॉय करेंगे। अगर मैं करेंटली अपनी वेबसाइट का करूं तो आप देखें कि यहाँ पर सिर्फ एक नैप बार अवेलेबल है। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर एक अदद इमेज का एडिशन करूँ, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी इमेज सर्च आउट करना है जो भी आपको अच्छा लगता हो, और आपका जो इमेज होना चाहिए वो होना चाहिए ऑनलाइन, यानी कि आप सिंपल गूगल पे आके कोई भी इमेज सर्च करें जो आप अपने पास अपने ब्लॉग या अपने वेबसाइट में यूटिलाइज करना चाहते हैं। आपको जो भी इमेज अच्छा लग रहा हो उसको एक बार के लिए चूज कीजिए, एंड चूज कर आप क्या करेंगे उसको दूसरे टैब के अंदर ओपन अप करेंगे। तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर एक कोई इमेज देख लेते हैं, जिस तरीके से ये एक इमेज है, मैं इसे सेलेक्ट कर सकती हूँ। दिस वन इज ऑल्सो लुकिंग गुड, तो इस कोड वाले इमेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये इमेज मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है तो इसको हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए ये आईस्टॉक की वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन मैं इस आईस्टॉक की वेबसाइट से बिना डाउनलोड किए इस इमेज को अपने वेबसाइट पे डिप्लॉय करूंगी। इस तरीके से आईस्टॉक से मैंने यहाँ पर इसे ओपन किया, राइट क्लिक किया एंड यहाँ पे ओपन इमेज इन न्यू टैब के ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे मैंने ओपन इमेज इन न्यू टैब के ऑप्शन पे क्लिक किया, आप देखें अगले टैब के अंदर मेरा ये इमेज ओपन अप होकर आ गया। नॉर्मली हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इस इमेज को सेव कर लेते हैं, लेकिन हम क्योंकि ऑनलाइन इमेज डिप्लॉय सीख रहे हैं तो हम इसे सेव नहीं करेंगे। हम सिंपल क्या करेंगे, ये जो पूरा यूआरएल आ रहा है इसको सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट कर यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने अपने वीडियो स्टूडियो कोड में आना है। अब आप जहां पर भी इस इमेज को पुट करना चाहें आप वहां पर इस इमेज को पुट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसे हेडर सेक्शन के बाद पुट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपल एक कमांड लिखूंगी जो कि कहलाएगी img की कमांड। img मतलब इमेजेस, तो img लिख के मैं जैसे ही इंटर करूंगी ये यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल कर देगा। एक कहलाता है src जो कि कहलाता है सोर्स, एंड दूसरा कहलाता है आपके पास ऑल्टर। इसका मतलब होता है अल्टर टैग ऑफ द नेम। तो सबसे पहले सोर्स के अंदर आप वो कोड पेस्ट कर दें जो अभी आपने कॉपी किया था, सिंपल इस तरीके से अपने इमेज से रिलेटेड, और साथ में आप क्या कीजिए आप यहाँ पे इसका अल्टर टैग लिख दें, क्योंकि ये कोड इमेज था तो मैं यहाँ पे अल्टर टैग लिख देती हूँ कोड इमेज। अब हम अपने वेबसाइट पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या बिना डाउनलोड किए ये मेरी वेबसाइट पे डिप्लॉय हुआ है। तो आप देख सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे कि बिना डाउनलोड किए सेम इमेज सेम क्वालिटी सेम प्राइस के अंदर मेरी वेबसाइट के ऊपर डिप्लॉय हुआ। इस इमेज को हम यहाँ पर जो है वो कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टीज प्रोवाइड आउट करते हैं, जैसे कि मैं इसकी वर्थ और हाइट सेट करती हूँ, और ये स्क्वायर इमेज है तो इसको हम रिलेटिवली राउंड कर देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इमेज टैग के बाद अपने क्लास नेम टैग का यूज करना होगा। क्लास नेम टैग का यूज करते हुए मैंने वेब वेट जो है 50 दी है, हाइट 50 दी है, और अपने लोगों को जो मैंने यहाँ पे कोड का क्रिएट आउट किया था इमेज उसको राउंडेड फुल रिलेटिव कर दिया है। तो चलकर देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस आएंगे। तो यू कैन इजीली सी कि यहाँ पर मेरा जो स्क्वायर वाला पिक्चर था वो राउंड में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली ये पहला मेथड था जिसके थ्रू हमने एक अदद इमेज अपनी वेबसाइट पे डिप्लॉय करना सीखा। अब हम एक और इमेज का यूज करते हैं जो कि कुछ इस तरीके से है, लेकिन इस बार मैं क्या करूंगी, इस बार मैं इस इमेज को सेव करूंगी और सेव करके यूटिलाइज करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सेव इमेज करेंगे, और सेव इमेज करते हुए आपने सबसे पहले कहाँ आना है, आपने सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर आना है। जैसे मेरे यहाँ पे माई हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आपको एक यहाँ पे फोल्डर दिखेगा पब्लिक का, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देती हूँ ताकि आपको दिखे हियर इज द पब्लिक फोल्डर। जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जैसे मेरा माई हेलो वर्ल्ड है, इसके अंदर एक पब्लिक फोल्डर होगा, इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले एक नया फोल्डर क्रिएट करें, इसका नाम रखें इमेज या इमेजेस रखें इसका नाम। इसके बाद इस फोल्डर को ओपन करें, एंड ओपन करके यहाँ पर आपने जो है वो नाम सेव करना है अपने जो भी आपकी पिक्चर है उससे रिलेटेड। जैसे ये कोड मैन है तो मैं यहाँ पर इसका नाम कोड मैन करके जो है वो सेव कर।
तो कोडमैन करके मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ये मेरे पास यहाँ पे सेव हो गई है। हम एक बार के लिए चेक भी करते हैं कि क्या पब्लिक फोल्डर के अंदर इमेजेस में कोडमैन की पिक्चर सेव है। तो जी हाँ बिल्कुल, आपको यहाँ पे कोडमैन की पिक्चर मेरे पास नजर आ रही है। अब अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रोल जीरो करते हैं, अपने फोल्डर्स में जाते हैं, पब्लिक में ताकि इमेजेस में देखते हैं कोडमैन की पिक्चर है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी कोडमैन की पिक्चर अवेलेबल है। अब इस कोडमैन वाली पिक्चर को हमने अपनी सेम पिक्चर के नीचे डिप्लॉय करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन इमेज टैग का यूज करेंगे, लेकिन इस बार मैं सोर्स कहाँ से दूंगी, इस बार मैं सोर्स यहाँ पर दूंगी इमेजेस से। अगर आपने इस तरीके से नहीं देना तो आप डायरेक्टली भी जो है वो इमेजेस से सोर्स दे सकते हैं। आप देखें कि मैंने यहाँ पे पाथ दिया इमेजेस का, साथ में मैंने लिखा कोडमैन डॉट पीएनजी और अल्टर टैग दिया कोडमैन। अब वेबसाइट पे चल के देखते हैं कि क्या ये हमारे पास कंपाइल्ड होकर आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेबसाइट पे कोडमैन वाला इमेज भी मेरे पास आसानी से कंपाइल्ड होकर आ गया। अब अगर आप इसके अंदर भी सेम चीजेस एड करना चाहें तो आप इसके अंदर भी सेम चीजेस को एड कर सकते हैं। एंड देन हम अपने दोनों इमेजेस को चेक करते हैं, तो आप देखिए मेरे दोनों इमेज यहाँ पर डिप्लॉय है। अब आप इसके अंदर इसको सेंटर लाइन कर सकते हैं, इसको यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं, बाकी चीजें प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमारा बेसिक टास्क यही था कि हम सीखें कि किस तरीके से नेक्स्ट जेएस के अंदर हम ऑनलाइन लिंक के थ्रू एंड अपने सब फोल्डर के थ्रू इमेजेस को अपलोड आउट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेक श्योर कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरी नेक्स्ट जेएस सीरीज को फॉलो अप नहीं करें तो मेक श्योर कीजिए कि उसकी प्लेलिस्ट को भी लास्ट में मेरे से चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।